नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेथानी। आइए रुक करते हैं बुलेटिन का, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका भी उन्हें एकनाथ शिंदे गुट ने दिया है, जहां पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य यानी कि MLC मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ दिया है। बता दें कि वो आज शाम शिवसेना यानी कि शिंदे गुट में शामिल होंगी, जहाँ पर शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने बताया कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की MLC मनीषा कायंदे आज शाम शिवसेना में प्रवेश करेंगे। वहीं रविवार 18 जून शाम 5 बजे वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सरकारी निवास स्थान पर शिवसेना की सदस्यता लेंगी, जहां मनीषा कायंदे के एकनाथ शिंदे के साथ जाने की खबर ऐसे समय में आ रही है जब शिवसेना उद्धव गुट के राज्यव्यापी पदाधिकारी शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन रविवार 18 जून को सुबह वर्ली में 10 बजे से शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं शिवसेना यूबीटी विधायक मनीषा कायंदे के शिंदे गुट में प्रवेश करने की खबर के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस कार्यक्रम से ही स्पष्ट हो पाएगा। तो वहीं पुणे से एक भयानक आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर पुणे के गंगा धाम चौक से पहले माता मंदिर के पास एक गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को यहां पर बुलाया, जहां पर फायर ब्रिगेड की ओर से 11 गाड़ियां मौके पर ही पहुंची और आग पर लंबी मशक्कत के बाद कोशिश काबू पाने की जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक आग 3 अलग अलग गोदामों में लगी है। आग की वजह से इलाके में भगदड़ का माहौल बन गया है, जिसके बाद दमकल की गाड़ी बुलाई गई। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण नहीं पता चल सका है। वहीं साथ ही आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। आग अलग अलग तरह के गोदामों में लगी, बिस्कुट सीमेंट मोल्डिंग सामग्री की गोदामों में यहाँ पर आग लगी है, जहाँ पर पुणे के कोणवा इलाके में लगी आग गंगाधाम सोसाइटी के पास काकड़े बस्ती में लगे भी लग गई, जहां पर करीब 3 एकड़ क्षेत्र में ये पूरी आग अभी तक फैल चुकी है। वहीं लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक धुआं सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच फैला था, जहां प्रशासन ने कुछ इमारतों को खाली कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक और दमकल की गाड़ी मौके पर वहां पहुंची। वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में जघन्य मनोहर हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश है। प्रदेश भर के साथ चंबा के सलूनी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 2 महीने तक धारा 144 लागू की। वहीं इसी बीच देवभूमि क्षेत्रीय संगठन ने इलाके में जाकर धारा 144 तोड़ने का ऐलान कर दिया है। भूमि क्षेत्रीय संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने एक बयान दिया है, जहां पर ये बयान जारी करते उन्होंने कहा कि संगठन के सदस्य 22 जून को इलाके में जाकर धारा 144 तोड़ेंगे। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि स्थानीय प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तक पुलिस की ओर से ना तो ये बताया गया कि आरोपी को कहां रखा गया है और ना ही ये साफ हो पाया है कि वो कोर्ट में कब पेश किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन आरोपियों के बारे में लोगों से जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है, जो सरासर गलत है। वहीं श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टीम ने बड़ी छापेमारी करी है। पुलिस टीम ने 45 लीटर कच्ची शराब और 3 क्विंटल लहन बरामद किया है। श्रावस्ती में आबकारी विभाग विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है, जहां पर DM कृतिका शर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें आबकारी निरीक्षक बलराम सिंह और अरविंद सिंह की टीम शामिल हुई। वहीं भिनगा क्षेत्र के भायापुरवा और उल्लाहवा जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें आबकारी टीम के आसपास के कई घरों में दबिश की गई। वहीं टीम को छापेमारी में 45 लीटर कच्ची शराब और 3 क्विंटल लहन बरामद हुआ है। साथ ही एक आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज भी किया गया, जहां पर मामले की जानकारी आबकारी अधिकारी PK गिरे ने दी। तो वहीं ललितपुर में नेशनल हाईवे के आसपास के इलाकों में अवैध रूप से देसी कच्ची शराब बेचने को लेकर कबूतरा जाति के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कबूतरा डेरा चीरा और मऊ माफी के लोगों में शराब बेचने को लेकर जमकर आपस से संघर्ष हुआ, जिसके चलते लाठी डंडे और
पत्थरबाजी भी हुई। चीरा कबूतरा डेरा के 3 पुरुष और 5 महिलाएं साथ ही मऊ माफी के 1 पुरुष और 1 महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाकर इलाज करवा रही है। वहीं चीरा कबूतर आधी राशि महिला ने पुलिस और आबकारी विभाग पर मऊ मफी के कबूतरों से मिलने साथ में इलाकों में शराब बिकवाने का आरोप लगाया। साथ ही आपसी तालमेल के चलते उनके तमाम ठिकानों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। वहीं घटना नेशनल हाईवे 44 बाईपास पर कैलागुआ चौराहे के आसपास की है। बात करेंगे बागपत से, जहां पर बागपत में नलकूप पर नहाने गए 3 बच्चों को कई घंटों तक दबंगों ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के शक में 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई, जहां 3 बच्चों के परिजनों ने बच्चों को CSC बड़ौत में भर्ती कराया है। बता दें कि वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़का गाँव का है, जहाँ पर 3 बच्चों की बुरी तरह से पिटाई की गई। श्रावस्ती में केंद्रीय पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स और श्रावस्ती पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया है। आपको बता दें कि आम लोगों की सुरक्षा बलों ने शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाया, जहां गिलौला कस्बे में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति व्यापारियों से वार्ता की गई, साथ ही शांति व्यवस्था की भी अपील की गई। इस दौरान थाना प्रभारी सहित संयुक्त टीम के कमांडेंट के साथ भारी पुलिस बल और जवान मौजूद भी रहे। आम जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा फ्लैग मार्च करने का मेन उद्देश्य है कि आपको किसी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर अगर होती है तो आप बेहिचक हमें बताएं, पुलिस प्रशासन को बताएं। यदि उसको कंट्रोल नहीं होता है तो हम वहाँ से आएंगे और हमको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। जानकारी के आधार पर जो भी डाटा कलेक्ट हुए तो हम उस पर, और हमको यहाँ के रास्ते की जानकारी रहेगी तो हम वहाँ से बिना देरी किए हुए तत्काल वहाँ से हम लोग जो है मूव करेंगे और अपनी कार्यवाही जारी रखेंगे। तो वहीं अगली खबर कानपुर से, जहां इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कंटेनर खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गया, जिसमें कंटेनर के ड्राइवर कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर कंडक्टर को बाहर निकाला गया। बता दें कि ये पूरा मामला पनकी थाना क्षेत्र के पास गैस प्लांट का है, जहां पर एक कंटेनर और खड़े ट्रक की भिड़ंत हो गई। तो वहीं झांसी में चल रही शराब पार्टी के बीच कुछ लोगों में किसी बात को लेकर कासुनी हो गई और फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट की गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया है कि युवक गाँव के ही कुछ लोगों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। देर रात पार्टी करके लोगों के बीच किसी बात को लेकर वहीं पे कासुनी हो गई और कासुनी मारपीट में बदल गई, जिसके बाद गांव के ही पास युवक का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर परिजनों ने 5 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। आप लोग अभी बबीना थाने आए हैं, किस लिए आए? काम इसलिए आया है, शाम को रांची से काम से आ रहे थे तो श्रीनारायण चौकीदार के घर के पास घट रहे थे, उधर बोला गोली को रोके तो रोके तो कल पार्टी कर रहे थे, तो मैंने किया पार्टी, हम तो कल नहीं तुम जाओ वो आ जाए, बस आए हम घर चले आए, पता नहीं वो फिर देगा क्या आओ नहीं है बोलू, फिर बस नहीं मिला सवेरे 4:30-5 बजे उसने सूचना मिली। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खमरी ने बयान देते हुए एक बड़ी बात कही, जहां उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ वो प्रचार करेंगे। उन्होंने साथ में ये बताया कि उनका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वो लगातार ज्वाइनिंग करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में जनता परेशान है, इसी के साथ बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये बड़ी बात कही है, इसके तहत बड़ी बातें सामने निकली, जहां पर यह भी बताया गया कि बृजलाल खबरी अपने जनाधार को लगातार मजबूत कर रहे हैं।
बलरामपुर में सीएम योगी का कल से 2 दिवसीय दौरा है, जहां सीएम योगी नवनिर्मित थारू संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। नवनिर्मित थारू जनजाति संस्कृति का संग्रहालय और तमाम गतिविधियों को जनता को समर्पित करेंगे, जहां भाजपा के महासंपर्क अभियान में भी सीएम योगी शामिल होंगे। आम चुनाव 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को सियासत और जीत के यहाँ पर मंत्र देंगे सीएम योगी। वहीं सीएम लोकार्पण और महासंपर्क अभियान में शामिल होने के बाद तुलसीपुर स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ में आराम करेंगे। तो यहाँ पर 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी का होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर देवी पाटन शक्तिपीठ में उनका विश्राम होगा। तो वहीं हरदोई में नदी में डूबकर 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई थी। वहीं रामगंगा नदी में डूबे बारी गांव निवासी 2 किशोरों के शव को अब बरामद कर दिया गया है। करीब 14 घंटे बाद नदी से दोनों के शव निकाले गए, जहां बकरियां चराने गए 2 किशोर नदी में नहाने के लिए गए थे। गहरे पानी में चले जाने की वजह से दोनों भाइयों की नदी में डूबकर मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने दोनों मृतक के शवों को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में कर से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। प्रेमनगर के स्कूलपुरा का रहने वाला युवक ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था और उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वहीं युवक ने ट्रेन से कटने से पहले अपने भाई को एक मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि भैया आई लव यू, भैया मुझे माफ कर देना। वहीं युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में G20 कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय C20 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कार्यक्रम से पहले एक दिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शिरकत करी, जहां होटल भागीरथ में आयोजित C20 कार्यक्रम में भारत के साथ ही कई देशों के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शिरकत करने पहुंचे हैं। वहीं वसुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य लेकर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आर्थिक और सामाजिक विषय पर चर्चा की गई, जहां सांसद निशंक ने कहा कि हरिद्वार में C20 कार्यक्रम आयोजित होना सौभाग्य का विषय है और इस कार्यक्रम से निकलने वाली आवाज पूरी दुनिया के लिए सुखद और कल्याणकारी होगी। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही वसुदेव कुटुंबकम की बात की थी, जिसे आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और न केवल आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से बल्कि पूरी दुनिया में किस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक रूप में स्वास्थ्य की दिशा में भूखमरी के खिलाफ समुचित विकास में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और जो सामाजिक संगठन है उनकी क्या भूमिका पूरे विश्व के परिवार में हो सकती है। G20 का जो लक्ष्य है भारत के द्वारा जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में पहुँचे। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में ही ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ग्लोबलाइजेशन का ही मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जो आज दुनिया मानने लग रही है, और G20 का आतिथ्य करने को भारत का मौका मिला है। एक तरह से प्राचीन काल में ही जब ऋषि लोग संगोष्ठियां करते थे। चंपावत की चलती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है, जहां युवक अपनी कार से पत्नी और अन्य परिजनों के साथ हल्द्वानी से चंपावत जा रहा था। इस दौरान वो टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती में नदी किनारे रुका और गर्मी के चलते नहाने के उद्देश्य से नदी पर गया था और उसी दौरान अचानक उसका पांव फिसल गया और वो नदी में डूब गया। पत्नी के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसे नदी से निकाला और एम्बुलेंस 108 के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिला चिकित्सालय टनकपुर ले जाया गया, जहां पर
डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और हादसे के बाद मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं निर्मल के परिजनों ने बताया कि निर्मल ने चलती नदी में नहाने की बात की थी और उसके बाद वो लोग वहां पर रुक गए थे। नहाने के लिए युवक नदी में गया और तेज धार में उसका पैर फिसल गया, जहाँ पर इसी वजह से वो डूब गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। इसके बाद आसपास के लोगों ने मदद के लिए उसे बाहर निकाला था, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। शाम की घटना है। मेरा छोटा भाई निलोन मेरा पूर्व साथियों का अध्यक्ष चंपावत हल्द्वानी से अपने परिवार के साथ अपने मित्र के साथ चंपावत आ रहे थे। चलखी में खाना खाने के पश्चात थोड़ी देर स्नान के पर्पज से गाड़ी से उतर कर गए। चलखी में उतरे तो बहाव तेज होने के कारण और जो है पैर फिसल जाने के कारण पानी जो है पानी में डूब करके अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में देर रात से अचानक मौसम में करवट बदलते हुए बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विज्ञान के अनुमान से मौसम मिजाज बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड राज्य के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही राज्य के जिलों में कई कई पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना भी है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान से 20 और 21 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगोत्री धाम में भी बारिश के चलते फिर से ठंड देखी जा सकती है। तो यहां पर एक बार फिर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के इलाके में मौसम ने करवट बदल दी है। जय मां गंगे। काफी दिनों से यहां पर अच्छी धूप खिल रही थी और आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और यहां पर लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है और ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ करा रहे हैं। लोगों में एक उमंग है कि हम गंगोत्री धाम में पहुँचे और माँ गंगा में स्नान करें। आपने देखा होगा वहीं चमोली में जिला ई पुस्तकालय गोपेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा अनटाइड फंड से पढ़ने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की गई, जिसका लाभ अब पुस्तकालय में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला है। यहां पर 7 से 8 बच्चे रोज पढ़ने आते हैं, लेकिन वर्तमान में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद अब जिला पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है और हर दिन यहाँ पर 90 से 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला ई पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जहां पाठकों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने उनके सुझाव भी लिए। बात करें पुस्तकालय में बच्चों की संख्या की तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को वाईफाई की क्षमता बढ़ाने और पुस्तकालय में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के लिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। तो वहीं चमोली में बाईपास के विरोध में जोशीमठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उप जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री को सौंपा गया है। इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया, जहां बता दें कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में जोशीमठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री को ये ज्ञापन सौंपा है। जोशीमठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। कहा था कि हेलंग बाईपास का निर्माण होने से जोशीमठ का पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित होगा। साथ ही कहा कि अगर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, साथ ही जोशीमठ की जनता के साथ मिलकर सड़कों पर भी उतरेंगे, ये कहा गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। बात करें चमोली की अगली खबर की तरफ, तो 9 ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां जिले के सभी अधिकारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। चमोली में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वच्छता सप्ताह अभियान के तहत चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां जिला मुख्यालय में जिले के सभी अधिकारियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। वहीं दूसरी ओर पोखरी ब्लॉक SDM संतोष कुमार पांडे ने भी नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया, जहां पर कार्यक्रम मिनी स्टेडियम से शुरू हुआ। इसके बाद SDM पांडे द्वारा सफाई
साफ सफाई को लेकर सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। वही स्वच्छता अभियान रैली पूरे बाजार से होकर गुजरी और सभी गलियां और सड़कों पर सफाई अभियान चलाया गया। जहां स्वच्छता अभियान में एनसीसी पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ साथ नगर पंचायत और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं। हरिद्वार में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, जहां देर रात से लगातार बारिश देखी जा सकती है। जहां एक ओर बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से हुए जल भराव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की और मध्यम वर्षा की संभावना जताई थी, जो अब सही साबित हो रही है। बता दें कि देर रात से लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार के कई इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। देहात क्षेत्रों की गलियां भी तालाब में बदलती नजर आ रही हैं। वहीं बारिश के बाद जल भराव से लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण काम करने वाले मजदूर घंटों तक बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। तो एक बार फिर से यहां पर देखा गया कि जैसा अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से, हरिद्वार में ऐसा ही हो रहा है और लगातार वहां पर देर रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बात करेंगे कोटद्वार की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋतु भूषण खुंडी का पुतला फूंका है, जो लगातार आघोषित कर रहे हैं कि विद्युत कटौती को लेकर ये मांगे चल रही है। बता दें कि कोटद्वार विधानसभा में लगातार हो रही आघोषित विद्युत कटौती से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर स्थानीय विधायक ऋतु भूषण खंडूडी का पुतला फूंका है। जहां कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल ने इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु भूषण खंडूडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोटद्वार की जन समस्याओं से कोई उनका लेना देना नहीं है। वहीं इसके लिए जनता आघोषित विद्युत कटौती के कारण पानी पीने के पानी की समस्या से भी जूझ रही है। मसूरी में उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार पूरे उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मसूरी के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सफाई अभियान किया गया, जिसमें मुख्यतः पर्यटक स्थल जॉर्ज एवरेस्ट पर सफाई अभियान किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद वन विभाग किन संस्था के साथ मसूरी प्रेस क्लब द्वारा भी सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट और जॉर्ज हाउस पर सफाई अभियान किया गया। सफाई अभियान में करीब 1 से 2 टन गार्बेज इकट्ठा किया गया। बता दें कि यहाँ पर न्यायालय की तरफ से ये आदेश दिया गया था और इसके ही चलते पूरे मसूरी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए जॉर्ज एवरेस्ट और जॉर्ज हाउस में सफाई करने को ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्वच्छता महाअभियान संचालित किया गया। अभियान का शुभारंभ जिला जज श्री गुरबख्श सिंह ने किया, जहां पर जिला न्यायालय परिसर से अभियान में बहुत सारे जनसमूह को जुटा हुआ देखा गया। इसकी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई, इसको रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज ने अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले दिनों आयोजित पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए जिला जज ने सभी लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई और अपील की कि अपने घर और आसपास सफाई का निरंतर ध्यान रखेंगे, साथ में कूड़े का समुचित निस्तारण करने का आह्वान भी लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में एक बृहद स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आज 18 जून को इसी को एक बड़े स्वरूप में देख पा रहे हैं। हम प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका और पंचायतें, उनमें एक कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक कार्यक्रम है और अभी हम उत्तरकाशी में हैं। यहाँ के प्रत्येक वार्ड में इसी प्रकार टीमें बना के अभियान चलाया जा रहा है। प्रयास ये है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में हम जागरूक कर सकें और इस वहीं हरिद्वार में उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों के बाद
एडीजी और एडीएम की अध्यक्षता में वृद्ध स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां ग्राम पंचायत, नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों और साथ में सामाजिक संगठनों के साथ स्वच्छता अभियान को सफल बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान चौराहे से लेकर काली के मंदिर तक हुई। सभी ने मिलकर साफ सफाई करके लोगों से अपील की कि अपने परिसर और आसपास साफ सफाई रखें और वातावरण को दूषित होने से बचाएं, ताकि बीमारी ना फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ रहे। आज माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये सफाई अभियान चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश से 12 से लेकर 18 तक का अभियान है। आज 18 तारीख है, आज इसका मुख्य कार्य होना है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में न्याय विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारी सभी सम्मिलित हैं। और जैसे हमारे साथ डीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारा स्टाफ। अभी की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत, फिर लौटूंगी बाकी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।